देखिए पिताजी, तस्वीर में ये महल कितना सुंदर है और वो भी सफेद रंग का। क्या आप भी ऐसा महल बनवा सकते हैं? ये ताज महल है, सफेद है क्योंकि खास संगमरमर पत्थर से बना है और इतना सुंदर कि दुनिया के अजूबों में एक माना जाता है। हम तो क्या, शायद दुनिया में कोई नहीं है जो ताज सा महल दोबारा बना सके। पर वो क्यों? क्योंकि इस महल को बनाने में करीब 20,000 लोग 20 साल तक काम करते रहे। 20 साल? 20,000 लोग? हाँ, दूर दूर के देशों से सुंदर हीरे पत्थर महल की मीनारों और दीवारों में मढ़ने के लिए लाए गए। और सुना है 1,000 हाथी सिर्फ सामान उठाने के लिए लगाए गए। किसी बड़ी सेना से भी ज्यादा। अगर ये ताजमहल इतना अद्भुत है, फिर तो इसे अपनी आँखों से देखना जरूर बनता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब बच्चे आगरा जरूर जाओ। राजकुमारी, हम सबको अपने साथ लाने के लिए धन्यवाद। पर देखो ना, कितनी गर्मी है यहाँ। देखो तो उनकी पीठ तो देखो। हाँ। कैसे उठी हुई है। तुम दोनों महल में ज्यादा उछल कूद ना मचाओ। भीम को भी तो बोलो, वो तो लड्डू देखते ही उन पर टूट पड़ता है। मैं नहीं जानती, तुम दोनों की वजह से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ का गाइड हूँ, आओ मैं तुम्हें ताजमहल दिखाने के साथ साथ इसके बारे में अद्भुत बातें भी बताता हूँ। जी जरूर। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की यादगार के रूप में ये महल बनवाया था। महल सारे विश्व में एक मिसाल बने, इसलिए इसे खास सफेद संगमरमर से बनाया गया। पर ये हर समय सफेद नहीं दिखता, सुबह उगते सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है। दीवारों पर उर्दू फारसी में शब्द नक्काशी किए गए हैं। ये कुछ जच नहीं रहा, कारीगर ने कुछ ठीक नहीं बनाया। वो फूल में काली पत्ती ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लो, मैं अभी बेहतर किए देता हूँ। ये खाली बोतल यहाँ क्यों फेंकी? तुमसे मतलब? हमारी मर्जी? अरे रहने दो बच्चों, अब कई लोग फेंक जाते हैं। मैं तो इस पत्थर के एक टुकड़े की बात कर रहा था। तुम आसपास नजर रखो, मैं अपने औजार से कमाल दिखाता हूँ। कितनी बढ़िया जगह है।
यहाँ की दुकानें कितनी सुंदर हैं, इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े और जूते। और यहाँ इन टोपियों को तो देखो, देखो 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 कितनी अच्छी लग रही है। ये वाली नहीं 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 वो वाली। मुझे यहाँ से एक बढ़िया कुर्ता लेना है। चलो कालिया अंदर चलकर देखते हैं। चलो आ जाओ धनु बोलू। बहुत सुंदर है ये लहंगा, है ना? इसे पहन कर देखना चाहोगी? अगर ये तुम पर ठीक बैठता है तो ये लहंगा मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। सच? हाँ बेटी बिल्कुल, ये लो पहन के देख लो। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। रुको, आर्ट म्यूजियम के अंदर ऐसे नहीं जा सकते, सिक्योरिटी गेट से जाइए। सिक्योरिटी चेकिंग करवाइए। हैं? वो क्यों? रूल है। रूल क्या है? कि आर्ट म्यूजियम के अंदर बहुत कीमती आर्ट है, बिल्डिंग के अंदर कोई खतरनाक सामान न ले जाए, इसलिए सबकी चेकिंग करके ही अंदर जाने देते हैं। चेकिंग होगी। क्या तुम कोई हथियार अंदर ले जा रहे हो? हथियार थोड़ी है, कैंची है। कैंची खतरनाक है, इससे तुम आर्ट को नुकसान पहुंचा सकते हो। ये यहीं जमा करके जाओ, जाते वक्त ले जाना। आपके बैग में क्या है? चेकिंग करवाइए। नहीं, इनमें नींद की दवा मिली हो सकती है, खतरनाक है। ये यहीं जमा करके जाओ, जाते वक्त ले जाना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यही खत्म कर देते हैं। वाह! मैं हूँ कालिया। देखो देखो तो, हम टीवी में कैसे दिख रहे हैं? पर हम टीवी में कैसे आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ सब जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। देखो वहाँ और वहाँ भी, ये इस हॉल का पूरा दृश्य रिकॉर्ड करते रहता है। पर वो क्यों? अगर कभी यहाँ कोई चोरी या दुर्घटना हो जाए तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखकर हमें पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन कब कहां क्या कर रहा था। हाय, ये कैसी पेंटिंग है? ये एक रशियन पेंटर की बहुत मशहूर पेंटिंग है और हमारे म्यूजियम की सबसे कीमती भी। पर ये तो मैं भी बना सकता हूँ, इसमें खास क्या है? ये एक खास आर्टिस्ट की सोच है, जैसे ये आकार बनाकर वो दर्शकों से कुछ कह रहा है। अब आपकी सोच के अनुसार ये आकार कुछ भी हो सकता है। एक मैदान हो सकता है, खिड़की हो सकती है,
शायद टीवी हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छे, कोई भी एक जवाब सही नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया, इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे, अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ, हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर है और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया, कालिया कभी हारता है क्या? भीम रुको, जादूगर छूमंतर आज ढोलकपुर आ रहे हैं, तुम उनका जादू देखने चल रहे हो ना? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, नए नए जादू देखने को मिलेंगे। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, आज मुझे प्रोफेसर की मदद करने जाना है। ये क्या बात हुई, इतनी मुश्किल से तो कोई जादू दिखाने यहाँ आता है और तुम हो कि चलना ही नहीं चाहते। अरे नहीं, प्रोफेसर कब से बुला रहे हैं, आज तो मुझे जाना ही चाहिए, जग्गू को भी बुलाया है, मैं बस उसे ही लेने जा रहा हूँ। तो क्या प्रोफेसर एक दिन और नहीं रुक सकते? नहीं चुटकी, आज तो जाना ही होगा। अच्छा तो मैं जरा जग्गू को लेकर आता हूँ। लो, वो रही मुसीबत। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ राजू, पर मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा, आज एक जादूगर ढोलकपुर आया है। चुटकी, मेरे पास एक और टिकट है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चुटकी भला तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी कालिया। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी, शाम को तैयार रहना। देखो वो क्या गिरा, इस पर लिखा है चमकने वाली क्रीम। उस्ताद क्या कर रहे हो? चुप रहो, मैं गोरा होकर ही रहूंगा। कालिया तुम्हें क्या हुआ? क्यों, मुझे क्या हुआ? ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? उस्ताद वो गोरा करने की क्रीम जो सुबह हमने आपको दी थी वो जादूगर छू मंतर की थी। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, मेरा मजाक बना कर रख दिया, मैं कभी भी गोरा नहीं हो पाऊंगा। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलो भाग। मैं हार गया, भीम फिर हीरो बन गया। काश
मैं ढोलकपुर का हीरो होता। किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। मैं किस्मत वाला आज किसकी किस्मत लिखूंगा? बेचारा मोटू मेंढक, तेरी किस्मत बदल दूंगा। किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। लिख दी नई किस्मत। उड़ता मेंढक, वाह, ये जैसा लिखता है वैसा हो जाता है। अगर मैं किस्मत लिखता। किस्मत वाला मेरा नाम। वाह वाह, आप कितने कमाल के हैं। वाह वाह वाह। थोड़ा आराम कीजिए, सो जाइए सो जाइए। कालिया किस्मत वाला। माने सबके लिए लड्डू भेजे हैं। अब देखना मेरा कमाल। चुक्की, चलो घर। भीम, इसमें जरूर कालिया का हाथ है। कालिया, क्या किया तुमने? अभी बताता हूँ राजू। कालिया, तुम जो भी कर रहे हो बंद कर दो। कालिया किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा मेरा जादुई कलम। जरूर उस कालिया उस्ताद ने बहुत बुरा किया तुमने कालिया, बहुत बुरा। तो गया, अब मैं महाराज की किस्मत बदलूंगा। उस्ताद, उस्ताद। कौन है? अभी बताता हूँ। उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया, वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम शहर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भी? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है?
पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 पूछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए, चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर होगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वहाँ देखो, शायद ये वही पेड़ है। Hey!
ये हमारे दोस्त जग्गू का घर है। प्यारे बच्चों जल्दी आओ, राजा इंद्र वर्मा का संदेश सुनते जाओ। अपना छुपा टैलेंट बाहर लाओ और पूरे ढोलकपुर को दिखाओ। टैलेंट शो, क्या तुम हिस्सा लोगी? हाँ जरूर, हमने तो तय भी कर लिया है कि हम टैलेंट शो में क्या प्रस्तुत करेंगे। क्या? क्यों बताएं? वही देखना। कहाँ चले? तैयारी करने। और मैं क्या करूँगा? भीम, महाराज का तुम्हारे लिए भी संदेश है। वो चाहते हैं कि टैलेंट शो में तुम मुख्य मेहमान बनकर आओ। जरूर। शो शुरू करते हैं छुटकी और शिवानी से, जो लेकर आई है बहुत ही मुश्किल मटका डांस। वाह वाह, क्या बात है। सुंदर, अति सुंदर। अब आ रही है राजू जग्गू की जोड़ी। कोई बता सकता है कि वो क्या दिखाने वाले हैं? शरीर में हड्डी नहीं है क्या? मानो रबर का बना है। क्या हुआ मौसी, अचानक उठकर कहाँ जा रही हो? वो मेरा हार नहीं है। मेरी एक बाली घूम गई, कहीं कोई जेब कतरा तो नहीं घूम रहा यहाँ? अच्छा, तो देखा आपने हमारे बच्चों के अलग अलग टैलेंट्स। जो एक छोटा सा प्रदर्शन मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर भीम। और मेरे साथ वो लाल कमीज वाले। है? कौन? मैं यहाँ आगे स्टेज पर आ जाइए भाई साहब। इस प्रदर्शन का नाम है जादुई पंच। मेरा खोया हार। चटकी 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 चटकी।